जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अपिकरण के मापों या मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का वर्णन करते हुए रेंज या प्रसार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, अपिकरण के मापों या मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का क्या अर्थ है तथा इनकी क्या आवश्यकता है। केंद्रीय प्रवृत्ति या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के किसी भी मापक में यह विशेषता नहीं होती कि वह अकेले ही आंकड़ों के वितरण के गुणों या विशेषताओं को सही ढंग से बता सके या वर्णन कर सके, क्योंकि ये मापक आंकड़ों के भीतर की परिवर्तनशीलता या वेरिएबिलिटी को पकड़ पाने में असमर्थ हैं। इसीलिए आंकड़ों के भीतर की परिवर्तनशीलता को जानने के लिए अपकरण के मापों अर्थात मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की आवश्यकता पड़ती है। इसे एक साधारण उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। इस टेबल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए बी सी नामक तीन स्थानों पर लगातार 5 सालों तक किसी वस्तु के उत्पादन को यूनिट में दर्शाया गया है। अगर हम इसका औसत देखें तो ए बी और सी तीनों स्थानों का औसत 2 है, लेकिन जब हम प्रसार की बात करते हैं या रेंज की बात करते हैं तो स्थान ए पर यह प्रसार 2 है, 2 यूनिट का है, बी स्थान पर यह प्रसार 4 यूनिट का है और सी स्थान पर यह प्रसार 7 यूनिट का है। अतः इस टेबल से आप देख सकते हैं कि जो मीन है, औसत है, वो एक सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। इस मापक के अनुसार या इस माप के अनुसार तीनों स्थान ए बी और सी तीनों का एक जैसा महत्व है। तीनों की समान वैल्यू होने पर हम कह सकते हैं कि तीनों का महत्व एक समान है, लेकिन जब हम प्रसार की बात करते हैं या रेंज की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि स्थान ए पर रेंज कम है, अर्थात हाईएस्ट और लोएस्ट का जो डिफरेंस है वो ए स्थान पर कम है और बी स्थान पर उससे अधिक है और सी स्थान पर सर्वाधिक है। अतः किसी भी आंकड़ों के वितरण को सही प्रकार से समझने के लिए आंकड़ों के केंद्रीय प्रवृत्ति का माप या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के साथ साथ अपिकरण या प्रसार के मापों के मूल्यों का अवलोकन करना भी अति आवश्यक है। इसको अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में देखें तो इस पिक्चर को हम और ज़्यादा क्लियर ढंग से समझ पाएंगे। इस आरेख में पिछले डेटा को ही यहाँ आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है। इसमें ए स्थान को के उत्पादन को ब्लू कलर से, बी स्थान के उत्पादन को रेड कलर से और सी स्थान के उत्पादन को ग्रीन कलर के रेखा के द्वारा दर्शाया गया है। अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें, उसी का एक मापक है मीन या औसत। तो औसत के हिसाब से देखा जाए तो तीनों स्थानों का जो उत्पादन है एक समान है, उसका औसत 2 यूनिट है। जबकि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के एक माप को लें, अगर हम रेंज को लेकर चलें, तो उसके हिसाब से इस डेटा में इन तीनों स्थानों के जो आंकड़े हैं उनमें बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलती है। अब आप देखेंगे कि स्थान ए के बारे में यहाँ हाईएस्ट और लोएस्ट का जो डिफरेंस है वो 2 यूनिट का है, अर्थात रेंज 2 यूनिट की है। स्थान बी पर रेंज 4 यूनिट की है, अर्थात हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस 4 यूनिट का है, जबकि सी स्थान पर यह डिफरेंस 7 यूनिट का है। अर्थात सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के का एक मापक है, एक माप औसत है या मीन है, उसके अनुसार ये तीनों स्थान एक जैसे हैं, जबकि रेंज के अनुसार तीनों स्थानों में बहुत अधिक डिफरेंस है। इसीलिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाले जो मापक हैं वो किसी भी डेटा को के सिर्फ एक ही पक्ष को कवर कर पाते हैं, उसके अन्य विशेषताओं को अर्थात आंकड़ों के अंदर जो वेरिएबिलिटी है, जो परिवर्तनशीलता है, उसको वो कैप्चर करने में असमर्थ हैं। इसको कैप्चर करने के लिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के साथ साथ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का
इस्तेमाल करना भी बहुत आवश्यक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभिकरण के माप कितने प्रकार के होते हैं या उनके कितने प्रकार हैं? नंबर एक, प्रसार या रेंज। चतुर्थ, विचलन या क्वार्टाइल डेविएशन। माध्य, विचलन या मीन डेविएशन। प्रमाप, विचलन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड सापेक्ष, विचलन या फिर रिलेटिव डिस्पर्जन। इनके माध्यम से, ये अभिकरण के विभिन्न प्रकार हैं जिनके माध्यम से हम डेटा की आंतरिक परिवर्तनशीलता, अर्थात डेटा के अंदर जो अंदरूनी विभिन्नताएं हैं या वेरिएबिलिटी है, उसको हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और उससे आंकड़ों के विशेषताओं का पता लगाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रसार या रेंज का क्या अर्थ है और इसे को कैसे किस सूत्र के माध्यम से निकाला जाता है? प्रसार को ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका है, प्रसार को ज्ञात करना बहुत ही आसान है। इसे ज्ञात करने के लिए आंकड़ों में न्यूनतम व अधिकतम मूल्यों को चुन लिया जाता है और इनके बीच के अंतराल को ज्ञात कर लिया जाता है। इसे निम्न सूत्र के माध्यम से या फॉर्मूले के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं। द रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट माइनस लोएस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट, अर्थात किसी भी आंकड़ों में जो सबसे अधिक वैल्यू है उसमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू या सबसे कम वैल्यू को घटा दिया जाता है तो उसे हम रेंज कहते हैं। इससे आंकड़ों का जो विस्तार है उसका पता चलता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रसार या रेंज की गणना और इसका महत्व, अर्थात रेंज की गणना कैसे की जाती है और उसका क्या महत्व है, उसके क्या मायने होते हैं, इसको हम समझेंगे। यहाँ पे यहाँ एक उदाहरण दिया गया है जिसमें स्कोर्स ऑफ टीम ए और स्कोर्स ऑफ टीम बी दिए गए हैं। टीम ए का स्कोर इस प्रकार है, नंबर एक, मद पहला मद है 10, 15, 30, 25 और 20, जबकि टीम बी का स्कोर है 5, 45, 15, 49 और 50। अगर हम पहला डेटा सेट अर्थात ए टीम का रेंज निकालें तो इसका हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू है 30 और लोएस्ट वैल्यू है 10, दोनों को माइनस का डिफरेंस निकालेंगे तो वो है 20। इसी तरह से रेंज ऑफ फॉर डेटा सेट बी या टीम बी का जब हम रेंज निकालेंगे तो वो इस प्रकार है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू 50 है और लोएस्ट वैल्यू 5 है, तो दोनों का डिफरेंस 45 हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि टीम बी का प्रसार टीम ए से अधिक है, अर्थात टीम बी के मदों में परिवर्तनशीलता या विस्तार अधिक है या फिर फैलाव उसका अधिक है, अर्थात टीम बी का जो डेटा है उसमें दूर दूर तक फैलाव देखा जा रहा है जबकि टीम ए का डेटा में बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं है। अगर हम इसी बात को दूसरे शब्दों में कहें तो टीम ए के खिलाड़ी जो हैं वो अधिक भरोसेमंद हैं टीम बी की तुलना में, क्योंकि उनका जो रिजल्ट है उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार देखने को नहीं मिल रहा है, उसमें कंसिस्टेंसी देखी जा रही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रसार या रेंज का अभ्यास प्रश्न, अर्थात ये प्रश्न आपको दिया जा रहा है जिसमें आप घर बैठकर इसका अभ्यास करेंगे और प्रश्न इस प्रकार है, द मार्क्स ऑफ बैच ए आर 55, 45, 25, 26, 65, 85, 88, 35, 58 एंड 66 एंड द मार्क्स ऑफ बैच बी आर 55, 95, 68, 75, 65, 85, 88, 72, 58 एंड 66। अब आपको करना क्या है, उपरोक्त दोनों बैचों में से किस बैच के विद्यार्थियों का प्रदर्शन अधिक स्थिर और विश्वसनीय है, या दोनों बैचों के विद्यार्थियों में से किस बैच के विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस में या उनके आउटपुट में कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, इस बात का पता लगाएं और अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में शेयर करें। धन्यवाद।